गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे ही होंगे। सो अभी ना 5:30 बजे का टाइम है, तो मैं 5 बजे उठी थी, तो मैं नहा धो के फिर मंदिर में आ गई थी, क्योंकि आज है पहले नवरात्रि। तो पहली नवरात्रि थोड़ी पूजा की जो तैयारी है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और पहले दिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए थोड़ा जल्दी उठ के मैं अपना मंदिर में आ गई हूँ। सबसे पहले जो ठाकुर जी को और राधा रानी को, इनको उठा दूँगी और पानी का भोग देके फिर इनको नहला दूंगी। तो पहले ठाकुर जी को सुलाने का की जो जगह थी वो बाहर थी, अभी मंदिर में ही सुला रही हूँ। तो इनको पानी का भोग दे दिया और मंदिर में पोछा लगाया, बाकी पूरे घर में झाड़ू लगाई थी, तो बाकी की क्लीनिंग है वो बाद में करूँगी। और इनको भी मैंने नहला दिया है, और पीले रंग के इनको वस्त्र पहनाए हैं, जो ड्रेस है दोनों की येलो कलर की है। और फिर पूजा की तैयारियों में लग गई थी, तो कलश कि मैं तैयारी कर रही हूँ, और इसमें मैंने ना स्वास्तिक बना लिया है लोटे पर, जिसमें मैं कलश जमाने वाली हूँ। और थोड़े से पीले चावल ले लिए हैं, तो पीले चावल का आसन इसमें दूंगी मैं, या तो अष्टकमल बना लें या ऐसे ही नीचे थोड़े से चावल फैला लें। तो मैं ऐसे एक कपड़े वाला आसन ले कर उस पर चावल रख लेती हूँ, और उसमें फिर गंगा जल और 5 चीज़ें अपने जो है, सुपारी, लौंग, इलायची और हल्दी, सूखी हल्दी की गांठ, 1 सिक्का और 1 पतासा या शहद कुछ भी, या चीनी डाल ले, मतलब 5 चीज़ें इसमें डालनी चाहिए। फिर आम के पत्ते, और आम के पत्तों पर भी मैंने जो है टीका लगा लिया सिंदूर का, और स्वास्तिक नारियल पर भी बना लिया। फिर स्वास्तिक ना बना के इसमें जो है चुन्नी लपेट के कलावा भी बांधते हैं इसमें नारियल में, और कलश में भी कलावा बांध लेते हैं। तो ये कलश को ना सीधे हाथ की तरफ जो है रखना होता है, तो वो सब मैंने कर लिया, और इस ये सब की तैयारी हो गई है। और पूजा की तैयारी इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि व्यान ने एक दिन पहले ही बता दिया था कि वो जोत जो जलेगी तो उसको व्यान जलाएगा, तो अभी अखंड ज्योत की तैयारी भी मेरी हो गई है। तब तक व्यान रेडी हो गया है और मायरा को रेडी मैं करूँगी। तब तक बच्चों के लिए आलू की सब्ज़ी बना दी थी, तो अभी आलू की सब्ज़ी और रोटी दूंगी बच्चों को। और पूजा करने के लिए ना, तब तक मैंने जो हवन करने के लिए आग बनाते हैं ना उपले वाली, तो वो भी मैंने जलाने के लिए रख ही दिया था। और तब तक बच्चों का लंच भी पैक कर दिया, रोटी और आलू की सब्ज़ी और थोड़ी सी दही, जो कि बच्चों की फेवरेट होती है। जब भी कुछ सब्जी नहीं होती या बच्चों के लिए खाना बनता है, तो आलू की सब्जी ही बना देती हूँ मैं। और रवियान सबसे पहले आकर बैठ गया, मायरा को भी मैं बुला ही रही थी, लेकिन अभी कुछ एक तैयारी मेरी रह ही गई थी, लास्ट टाइम तक मेरी तैयारी रह जाती है। और मैं सुबह इसीलिए जल्दी पूजा करती हूँ क्योंकि ये सब चले जाते हैं जल्दी, तो फिर मैं अकेले क्या ही पूजा करूँगी। तो फिर हवन भी मैंने किया, और वियान ने सबको टीका लगा दिया था, और आरती हो गई हमारे यहाँ पे। अब कपूर की आरती जो है करते हैं, और उस टाइम पर हस्बैंड को बोल दिया था जाके चाय पीने के लिए, क्योंकि ये 7:15 बजे तक निकल जाते हैं। अगर थोड़ा भी लेट हो जाते हैं ना घर पर, तो बच्चे ना फिर लेट हो जाते हैं, और वियान को ना पीछे बेंच पर बैठना होता है। सेम प्रॉब्लम हमारे बचपन में ही होती थी कि स्कूल में जल्दी जाकर कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपनी जाकर जो है सीट बुक करनी होती है, आगे वाली, आगे का बेंच। और फिर मैंने थोड़े से यहाँ पे चिप्स फ्राई किए थे, एक दिन के चिप्स तो मेरे बंदर ही खा के गए थे, तो दूसरे दिन वाले मैंने चिप्स फ्राई कर लिए थे। और आज है मंगलवार, तो मंगलवार को थोड़ा सा हस्बैंड का ऐसे ही होता है कि थोड़ा लेट जाते हैं या फिर छुट्टी भी रख लेते हैं, तो सेम आज भी वही था। और मैं भूल गई थी कि आज मंगलवार है, तो हस्बैंड से मिलने के लिए कोई आया तो फिर चाय, चिप्स, कुरकुरे नहीं मखाने और चाय, वो सब मैंने इनको दे दिया था। और उसके बाद जो भी चिप्स थे मेरे, मैंने वो सारे फ्राई करके ही रख लिए थे। और ये मैंने फिर बच्चों के स्कूल से आने के बाद उनके लिए थोड़े से अप्पम बनाए थे, और थोड़े से फ्रूट्स दे दिए थे उनको काट कर, क्योंकि बच्चे ना सेम नहीं खाते, जो सुबह लेकर गए वो नहीं खाते हैं। और आलू की सब्ज़ी है, लेकिन आलू की सब्ज़ी ही खाएंगे बच्चे, रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो मैंने सूजी और अप्पम भिगो के बना दिए थे, और
आज जैसे शैलपुत्री माँ का व्रत है, पहला नवरात्रा, तो इसमें ना पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। तो सुबह भी मैंने पीला सूट पहना था और अभी पीली साड़ी ही पहनी है, और ठाकुर जी को भी मैंने पीले वस्त्र ही पहनाए हैं। तो पहले नवरात्रि पर पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हेलो एवरीवन, जय माता दी। मैं बाप से इतनी लेट क्यों मिल रही हूँ, और अभी बता दिखा दूँ, बच्चे आ गए हैं स्कूल से 3:30 बजे के टाइम में। बच्चों के लिए मैंने अपम बनाए और थोड़े से वो चटनी के और सॉस के, और सॉस नहीं, दही के साथ खा रहे हैं। तो सुबह की पूजा तो ऐसे ही कर ली थी, बच्चों के चक्कर में भाग दौड़ सी हो गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में आपसे बातें करूँगी। फिर बीच में जो कल लड्डू गोपाल लेकर आए थे ना, उनके लिए मुझे ड्रेस बनानी पड़ गई, क्योंकि जो दीदी लेकर आई थी ना उनको तो नहीं आती थी, तो वो थोड़ी सी बनवाने और सीखने आई थी। मैंने बोला भी था कि मैं बाद में बना दूँगी, लेकिन उनको चाहिए थी क्योंकि रात के लिए तो नहीं, मतलब सॉफ्ट वाले कंफर्टेबल कपड़े थे नहीं लड्डू गोपाल जी के लिए, तो रात को तो चाहिए चेंज करने के लिए। बाकी मार्केट से लेकर आए थे ड्रेस, ऐसा नहीं है कि लेकर नहीं आए थे। मैंने ही मना किया था कि एकदम सारा सामान मत लो, धीरे धीरे लेना, और जब धीरे धीरे लेते हैं ना तो चॉइस भी होती है और अच्छा भी लगता है। मार्केट जाते हैं तब कुछ ना कुछ, मतलब एक आइटम लेके आओ लड्डू गोपाल जी के लिए। जब भी जाओ तो जैसे अपने बच्चों के कपड़े ले, ऐसे ही लड्डू गोपाल जी के लिए ले ले। और मायरा कह रही थी कि मायरा को मिलना है ताई जी के लड्डू गोपाल जी से, तो मायरा फिर जाएगी, है ना मायरा, जाओगे ना? नहीं, मायरा नहीं जाएगी। भैया, भैया जाओ, जाएंगे? चला जाएगा वियान, चला जाएगा किट्टू, अगर वीडियो देख रहा है ना तो वियान आने वाला है लड्डू गोपाल जी से मिलने के लिए। भैया जाएंगे तो मैं जाऊंगा। अगर भैया जाएगा तो मायरा भी चली जाएगी देखने के लिए, ठीक है? तो किट्टू ये वीडियो देख के तैयार रहना, और वियान के लिए, मायरा के लिए कुछ अच्छी सी तैयारी करना। चलो भैया थोड़ी देर लेट जाऊँ, लेटूंगी नहीं, वैसे तो मैं आपको ही बता रही हूँ मैं लेटूंगी, बाकी तो मैं वीडियो एडिट करूँगी अपनी, क्योंकि मेरी कल वाली नहीं गई है, थोड़ा लेट हो गई हूँ, यहाँ पे एसी नहीं चल रहा, क्योंकि मैं बेसिकली अपना सारा काम कर करा के दोपहर को बैठती हूँ एडिटिंग के लिए, लेकिन दोपहर को मैं अपना ड्रेस बनाने में लग गई थी, और ड्रेस बनाने में लग गई। क्या यार, एक काम अच्छा हो जाना चाहिए दिन भर में, तो एक अच्छा काम यही था। सो दिन में तो मैं लग गई थी जो हमारे न्यू फैमिली मेंबर है ना उनके लिए कपड़े बनाने के लिए, और उसके बाद थोड़ी देर थक गई थी तो मैं लेट गई थी, सच में ही लेट गई थी। और ये मैंने व्लॉग में बोला कि मैं लेटूंगी नहीं, क्योंकि मेरी फिर तबीयत तो ठीक ही थी, हल्का सिर में दर्द हो गया था, तो मैं फिर लेट गई थी। फिर शाम के टाइम हमने आरती कर ली थी, हस्बैंड थोड़ा लेट हो जाते हैं तो हम टाइम से अपना जो है शाम की पूजा आरती कर देते हैं। फिर खाने में मैंने बनाए थे आलू और सिंगाड़े के आटे की मैंने पराठे या पूरी जो भी कह लो वो बनाए थे, क्योंकि कुछ फ्राई बनाए थे, कुछ मैंने डीप फ्राई बनाए, कुछ मैंने शैलो फ्राई बनाए थे, जो पैन में बनाए थे वो हस्बैंड ने ले लिए थे, बाकी जो मैंने फ्राई करके बनाए थे वो हमने सब ने ले लिए थे, बच्चों ने भी यही खाया था, और इनको एक एक रोटी दे दी थी बनाकर। तो शाम के खाने में यही बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, और पूरा दिन पता नहीं कैसे निकल जाता है, और शाम को ना 8 बजे के बाद ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, और 9 बजे तक तो मुझे नींद आने लगती है, मतलब मैं खाना खाऊँ या ना खाऊँ पर मैं इतनी थक जाती हूँ कि मुझे 9 बजे ना लेटते ही नींद आ जाती है। और दिन भर भी जोत का ध्यान रखना होता है, बाकी तो जोत में ऐसा है नहीं है, जोत को अगर कई घंटे तक भी हो उसको जो है कुछ चेक करना नहीं होता, कि उसमें घी भर देती हूँ मैं और वो अपना जो है सही चलती रहती है, बट क्या है कि एक जिम्मेदारी सी हो जाती है, तो उसको दिन में भी और रात को भी देखना होता है। और तो यहाँ पे बस खाना ये हमारा ऐसा है, टूटी फूटी सी रोटी बनी है, ये मेरा खाना है, मैंने तो फ्राई और नॉन फ्राई दोनों ही लिए हैं, एक आलू भी लिया है, क्योंकि डाइट पे ना जब तक हम कंट्रोल कर सकते हैं ना कि आलू नहीं खाना, हमको फ्राई नहीं खाना, वो जब तक चलता है जब तक हमको भूख नहीं लगती है या एनर्जी होती है, जब एनर्जी लो होने लगती है ना हमारी, उसके बाद तो जो खाने को मिल जाए वो ही अच्छा है। और
बस ये मैं खाना खा लूँगी, बच्चे सो गए हैं दोनों, क्योंकि वो भी बिल्कुल 9 बजे तक तो सो ही जाते हैं, और हस्बैंड अपना टीवी देख रहे हैं। उसके बाद मैं भी अपना जो है किचन वगैरह समेट के और यहाँ आई हूँ 10 बजे के आसपास अपना जोत में जो है घी भरने के लिए, चेक करने के लिए। और इससे पहले ना थोड़ी देर मैं लेट गई थी, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं सोने जा रही हूँ, सोऊंगी और बीच में मेरी आँख खुलेगी तो मैं चेक कर लूँगी, हस्बैंड उठेंगे तो वो देख लेंगे या फिर मुझे बता देंगे। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग किसी भी वजह से हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ शेयर किया कर दिया करो। जय माता दी।